गाड़ियों के शोरूम अख्तर भाई के पास मैं पहुंच चुका हूं, जहां चार पांच गाड़ियां आई हुई है तो उसका डिटेल मिलने वाला है। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए अख्तर भाई को देखते हैं कहां पे हैं। अख्तर भाई जी, उनसे बातें करेंगे, डिटेल लेंगे। हेलो भैया, कैसे हैं? हाँ ठीक है भैया, और आप लोग को वेलकम। एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में आपका भी फिर से वेलकम है ना। और आज आपके पास चार पांच गाड़ियाँ आई हुई है ना? जी जी जी। उसको हम अपडेट करने जा रहे हैं ना। हाँ, ओमनी वैन वगैरह सब कुछ है। अच्छा, तो एक बार मेरे व्यूअर को यहाँ का लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन है ये कांटा टोली से बहु बाजार तरफ जाते हैं ना। जी जी। तो पीछे में है YMC, वहीं पे पेट्रोल पम्प है, वहाँ पे दो टो एक ही जगह। अच्छा, वहाँ पे आइएगा तो बायां साइड में, जैसे कांटा टोली तरफ से आ रहे हैं तो बायां साइड में आपको गाड़ी हमारी क्लाइन से फॉर सेल लिखी हुई मिलेगी जी। रोड साइड आज चार पांच गाड़ियाँ आई हुई है ना? नहीं जी जी जी। चलिए, मेरे व्यूअर को एक बार हेलो कर दीजिए। हेलो भाई, आइए ज़रूर। और अपना नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम हुआ MD अख्तर। चलिए, आज कहाँ से शुरू करेंगे गाड़ी हम लोग फिर? आप I-20 से। चलिए भैया, ये हुंडई की I-20 है ना, रांची नंबर गाड़ी है ना भैया? हाँ। और ओनर की बात करें तो भैया? फर्स्ट है। क्या चली होगी गाड़ी? गाड़ी ज़्यादा नहीं चली हुई है, देख लेते हैं। लेडीज़ की गाड़ी, काफ़ी शानदार लुक में गाड़ी है। और फ्रंट लुक देख लीजिए, प्राइस होने वाली है इस I-20 के भैया, प्राइस क्या होने वाली है? 2,10,000। इसमें भी थोड़ा बहुत जगह बनाइएगा मेरे चैनल के थ्रू, अगर कोई आते हैं तो थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा बैठने से ना, कस्टमर को नाराज नहीं करते। चलिए, यहाँ से खुश होकर जाइएगा दोस्तों। एक बार आइए आप लोग यहाँ अख्तर भाई के पास, वेल कंडीशन वेल मेंटेन गाड़ियाँ मिलती हैं। चलिए भैया, फिर नेक्स्ट गाड़ी को चलते हैं हम लोग। XUV 500 W8 मॉडल सबसे ऊँचा है, टॉप मॉडल जिसमें आती है ना। हाँ हाँ, 2014 की है। और ये जमशेदपुर नंबर है ना जी। और रनिंग क्या होगी भैया लगभग गाड़ी की? रनिंग है वही 90-95 समथिंग। 90-95 चली हुई है। टायर की बात करें तो टायर भी कंडीशन में ही है ना, ये देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल कंडीशन में टायर है। साइड लुक देखिए आप लोग, और बैक लुक देखिए, आगे का टायर देखिए फर्स्ट क्लास है। और फ्रंट लुक देखिए आप लोग, भैया इसकी क्या प्राइस होने वाली है? प्राइस लोग तो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, लेकिन हम मैंने ना ज़्यादा बोलेंगे ना कम बोलेंगे। हाँ हाँ, एकदम जेन्युइन बोलेंगे 4.5 लाख एक दाम, मात्र 4.5 लाख फिक्स प्राइस है ना। 2014 की गाड़ी है, गाड़ी अच्छी है, गाड़ी में सारा सिस्टम है कंपनी की। थोड़ा सा इंटीरियर दिखाइएगा भैया। हाँ देख लीजिए, खोल के देख लीजिए। देखिए आप लोग इंटीरियर में, बिल्कुल लाजवाब इंटीरियर मिल रही है इसमें, मैट वगैरह सारा कुछ है।
रूफ देखिए आप लोग, रूफ भी बहुत ही शानदार रूफ है। बैक सीट देखिए, मैट वगैरह सारा लगा हुआ है। बैक लुक देख लीजिए आप लोग गाड़ी की। और मात्र 4.5 लाख में भैया, जी, मात्र 4.5 लाख में ही मिल रही है। और फिर नेक्स्ट गाड़ी हम लोग को योन होने वाली है ना, 2018 की योन है, रांची नंबर मिल रही है। 30,000 मात्र चला हुआ है, मात्र 30,000 चला हुआ है। गाड़ी बिल्कुल कंडीशन में है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। टायर की बात करें, देखिए टायर बिल्कुल कंडीशन में है, 70-80% टायर अभी है। और बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर देख लीजिए आप लोग। पावर विंडो 2 है ना भैया, फ्रंट में, फ्रंट में पावर विंडो मिल जाएगी आप लोगों को। ये देखिए स्टीयरिंग कवर लगा है, सीट कवर बिल्कुल कंडीशन में है। बैक सीट की बात करें, देखिए बैक सीट आप लोग, 30,000 ये गाड़ी समथिंग चली हुई है, बिल्कुल कंडीशन में है। ओनर तो फर्स्ट ही है ना भैया, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, ओरिजिनल पेंट में है, देख सकते हो आप लोग, कोई ये नहीं है। रांची नंबर मिल रही है, बिल्कुल टकाटक है। और अब आते हैं इस योन की प्राइस पे भैया हम लोग, तो क्या प्राइस होने वाली है? 2,30,000 रुपया है, उसमें कम बेसी हो जाएगा। 2,30,000 है इसमें, ऐसे ऑन द टेबल आप लोग आओगे तो कुछ कम बेसी हो जाएगा। तो एक बार आप लोग आइए यहाँ पे, गाड़ी बिल्कुल कंडीशन में है। फिर नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है भैया हम लोग की? ओमनी वैन। ओमनी वैन, इसकी भी डिमांड बहुत ज़बरदस्त रहती है भैया, है ना? 11 की है, टायर बिल्कुल आगे का नया है, और गाड़ी अच्छी है, देख सकते हैं आप। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2011 की है। और रनिंग क्या होगी लगभग, समथिंग वही 60-65,000 60-65,000 चली हुई है। पेंट टेंट ओरिजिनल है, देख सकते हो आप लोग, और बोकारो नंबर गाड़ी है ये। टायर वायर बिल्कुल कंडीशन में है, देख सकते हो आप लोग। और इंटीरियर की बात करें तो देख सकते हैं इंटीरियर में आप लोग, सब कुछ मैट वगैरह लगा हुआ है। सीट कवर देखिए कंडीशन में है। बैक सीट की बात करें तो देख सकते हो आप लोग, रूफ वगैरह देखिए। टायर की बात करें, देखिए टायर भी बिल्कुल कंडीशन, 80% टायर मिल रही है आप लोगों की। फ्रंट लुक देख लीजिए आप लोग, साइड लुक देख लीजिए। इस ओमनी वैन की प्राइस पे हम लोग को क्या प्राइस होने वाली है? ओमनी 2011 की है, हाँ, और गाड़ी तो आप लोग देख ही लिए, बिल्कुल टकाटक गाड़ी है। हाँ, गाड़ी जो है वही 1,40-1,35 तक हम दे देंगे, है ना? ओ, आज इतनी ही कलेक्शन थी, फिर आती है तो अपडेट कीजिएगा भैया, है ना? और फाइनेंस वगैरह हो जाती है ना? अल्टो भी एक है। अच्छा, अंदर में अल्टो है ना भैया? जी, LXi है। अल्टो LXi है। अरे हवा निकल रहा है क्या? पंचर वाला LXi अल्टो भी है, देख सकते हो आप लोग, जमशेदपुर नंबर गाड़ी है ये। टायर की बात करें तो कंडीशन में ही टायर है, देख सकते हैं आप लोग। और मॉडल कौन सी है भैया? 2008 की है। 8 की है। और ओनर की बात करें तो? ओनर सेकंड है। सेकंड ओनर, मतलब जो लेंगे थर्ड ओनर होंगे ना? जी। और क्या रनिंग होगी गाड़ी की? 48,000 मात्र 48,000 चली हुई है, जो कि ओरिजिनल चली हुई है, कंडीशन में गाड़ी है। और क्या प्राइस रखे हुए भैया इसकी? 86,000 एकदम, मात्र 86,000 86,000 में ये ऑल्टो मिल रही है आप लोगों को। और इंटीरियर दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग एसी वगैरह है इसमें, डैशबोर्ड नीट एंड क्लीन है। बैक सीट देखिए आप लोग, और रूफ वगैरह देखिए। तो ये 1,40,000 में दीजिएगा? नहीं नहीं, मात्र 46,000 मात्र 86,000 में ये ऑल्टो आप लोग को मिल रही है। डेंट पेंट ओरिजिनल है भैया, थोड़ा हल्का बहुत टचअप है ना,
आप 86,000 में एलेक्स आई है। इसमें ये पावर स्टीयरिंग वगैरह है, पावर स्टीयरिंग एसी वगैरह मिल रही है सारा कुछ। मात्र 86,000 में ये ऑल्टो मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही गाड़ी थी ना भैया जी? जी, और फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, होती है कि कैश ऊंचा मॉडल वाला तो फाइनेंस नहीं होगी, ऊंचा मॉडल वाला हो जाएगा ना। अच्छा, और बात करें अब इसकी, मतलब नाम ट्रांसफ़र वगैरह का इंक्लूड है इसमें ना? नहीं, वो अलग से, वो पार्टी देते अलग से, जो 4-5 हज़ार अलग से देना होगा है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया है ना। ओके, ओके। फिर आती है तो आप लोग को वेलकम है, कोई बात नहीं, आके गाड़ी देखिए, फिर आती है तो अपडेट करेंगे हम लोग है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।